परिंदों को मंजिल मिलेंगी यकीनन, ये उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये वो किसान हैं जो हर परिस्थिति में काम करते हैं, वो भी चेहरे पर बिना कोई शिकन लाए हुए। ये खुद भूखे सोते हैं हमें खिलाने के लिए, लेकिन आज इनका हुनर बोल रहा है। इनकी मेहनत की खुशबू मेले की आबो हवा में सौंधी मिट्टी की तरह घुल चुकी है। हर परिस्थिति में खुश रहने वाले हमारे किसान मेले की शान बने हुए हैं, क्योंकि ये किसान ही हैं यहाँ के सिकंदर। सिकंदर कृषि उन्नति मेले के, जी हाँ, वही मेला जो दिल्ली के पूसा संस्थान में पिछले कई सालों से लगता आ रहा है, और हर साल इसी मेले के जरिए हमें इनोवेटिव किसान मिलते हैं। आज किसान इनोवेटिव हो गया है, नई तकनीकों को समझने लगा है, चाहे वो बीज हो, उर्वरक हो या संरक्षित खेती ही क्यों ना हो। आज अपनी जमीन की मिट्टी से सोना उगाने की हिम्मत रखता है किसान, और ऐसे ही जिंदा दिल किसानों की हौसला अफजाई के लिए हर साल की तरह इस साल भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि उन्नति मेले का आयोजन 3 दिन के लिए किया गया। इस मेले में एक तरफ जहां नई किस्म के बीजों, खादों और उपकरण का भंडार था, तो वहीं दूसरी तरफ मेले में आए लाखों की भीड़ में कुछ चुनिंदा हीरे ऐसे थे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बुलंदियों वाले हौसले से कुछ अलग कर दिखाया है। ये वो किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ अनोखा कारनामा कर इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, इन पुरस्कृत किसानों की टोली में कुछ महिला किसान भी शामिल हैं जिन्होंने महिला शक्ति का उदाहरण दिया है, और पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया है कि महिलाएं भी खेती करने में पुरुषों से कम नहीं हैं। जहां इस समाज में एक टैगलाइन है, पुरुष प्रधान देश, यानी समाज में केवल पुरुषों को ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन आज के इस बदलते समय में हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में बदलाव आया है, जिसे काफी हद तक हमारे समाज ने स्वीकार लिया है। आज महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसका जीवंत तो उदाहरण है कृषि उन्नति मेले में आई वो महिलाएं जिन्हें इनोवेटिव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं मुकेश देवी, जो झज्जर हरियाणा की रहने वाली हैं। जैसी इनकी बोली मीठी है शहद सी, वैसे ही इन्होंने जो काम किया है वो भी मिठास से भरा है। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत ना होते हुए भी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया। मुकेश देवी ने 30 बॉक्स से अपना बिजनेस शुरू किया था, और अब व्यवसाय 1500 बॉक्स तक पहुंच चुका है। मैंने नौकरी की तरफ ध्यान न दे करके हमने अपना व्यवसाय करने की सोची। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों इसी काम में जुट गए, तो हमने 2001 में 30 बॉक्सों से अपना कार्य शुरू किया, और जो कि अब हमारे पास उन्हीं 30 बक्सों से 1500 बॉक्स हैं। इसमें मधुमक्खी के इसी शहद के इसमें मिला है जी, अच्छी क्वालिटी का शहद है। अब आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जिनके हौसले उनकी छत के पिलर से भी ज्यादा मजबूत हैं। जी हाँ, इनका नाम है पुष्पा साहू, जिन्होंने अपनी छत पर फलदार पौधों की बागवानी की है, जिसे देख कर आसपास के लोग भी हैरान हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात ये कि इस काम से उनके मकान पर किसी तरह का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा है, और ना ही सीपेज का डर। इसके अलावा एक और खास बात ये कि इन्होंने अपने इन पौधों के लिए महंगे महंगे विदेशी खादों की जगह घर के कूड़े कचरे को ही खाद बनाकर पौधों में इस्तेमाल किया, जिसके दो फायदे हुए। एक तो इन्हें देसी खाद मिल गया, और दूसरा घर के कचरे का भी निपटारा कर दिया। मुझे यहाँ छत में फलों की जैविक खेती करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये मैं अपने छत में केला, बिही, अमरूद, पपीता, चीकू, मौसम्बी और सेव लगाई हुई हूँ, जिसमें सेव का पौधों में अभी भी फल आ चुके हैं सेव में, जो कि छत्तीसगढ़ के 47 डिग्री टेम्परेचर में भी संभव नहीं है, वो मैंने किया और यह चीज़ संभव
इसी संभव होने के बाद ही मुझे ये सब पुरस्कार मुझे मिला। तो देखा आपने, जहाँ जमीनें खत्म हो जाएं, वहाँ पूरा आसमान बाकी है। बस जरूरत है थोड़े हौसले और सूझबूझ की। इसी सूझबूझ का परिणाम है कि कृषि उन्नति मेले में 40 किसानों को इनोवेटिव फार्मर्स यानी नए प्रयोग करने वाले किसान और 5 को फेलो फार्मर्स यानी विशेषज्ञ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा नाम जो मेहनत का पर्याय है, या फिर कहें भारत जैसे देश की शान। किसान अपने खेतों में अनाज तो उगाते ही हैं, पर इनके खेत की मिट्टी में पिरोए हर बीज से एक परिवार की भूख भी मिटती है। एक बीज हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है, ये आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही कुछ जाबाज किसान हैं जो बीज उत्पादन में हाथ आजमा रहे हैं। जयप्रीत सिंह, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, ये उन्हीं किसानों में से एक है जो बीज को सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं, साथ ही पंजाब के किसानों को अच्छी किस्म के बीज भी उपलब्ध कराते हैं। मैं प्याज की वधिया नर्सरी ते सीड प्रोडक्शन का काम करदा ते अपने आले दुआले के किसानों को नर्सरी वाजिब रेट ते दिंदा हाँ, और इसलिए मैं इनोवेटिव फार्मर अवार्ड IAIR से मिला है। ये पहले किसान नहीं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इन्हीं के जैसे एक और किसान हैं जो इसी राह पर चल रहे हैं। उनका नाम है अंकित अग्रवाल, जो कि मथुरा यूपी के रहने वाले हैं। वो मथुरा के निवासियों को बढ़िया प्रजाति के बीज उपलब्ध कराते हैं। इनके इस व्यवसाय से 1000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। अंकित ये काम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इनकी इसी मेहनत को भारत सरकार ने भी सराहा है। हम एक सोसाइटी से लिंक्ड अप हैं, जो कि सीड ग्रोअर प्रोडक्शन यूपी सीड ग्रोअर एसोसिएशन है, जिसके तहत अराउंड 1000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हम लोग गेहूं, धान, मूंग, सरसों, आलू के बीज का प्रोडक्शन करते हैं, जिस और नई नई तकनीक जो पूसा संस्थान की और संस्थानों की है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि किसानों को लाभ होता है। ये सीड टेक्नोलॉजी को, जो पूसा की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको फैलाने के लिए, किसान को पहुंचाने के लिए, लैब टू लैंड टेक्नोलॉजी को पहुँचाने के लिए अवार्ड मिला है। श्रवण कुमार गुप्ता, जो कि रांची छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इनकी खासियत ये है कि ये ऐसे पौधों के बीज बनाते हैं जो कम पानी और अधिक सर्दी में भी अच्छे से पनप सकें और अच्छा उत्पादन दे सकें। फलदार पौधों का नर्सरी तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराता हूँ। हम ऐसे वैरायटी का पौधा तैयार करता हूँ जो कम से कम पानी में वो सर्वाइव कर जाता है तथा अधिक से अधिक ठंडा में वो सह पाएगा। बिल्कुल आकर्षित ढंग से पौधा को तैयार करके किसान को उपलब्ध करता हूँ, जाकि कोई भी किसान वह पौधा को देख के सहज स्वीकार कर ले, पसंद कर ले। हमें अच्छे पौधा तैयार करने के लिए अवार्ड मिला है। अब तक आपने उन किसानों को देखा और सुना जिन्हें बीज उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के थान सिंह यादव से। जितना भारी नाम उतना ही भारी काम भी है इनका। थान सिंह, जो एक ही खेत में कई फसलों को उगाने के लिए सम्मानित किए गए हैं। हमको दिल्ली कृषि उन्नति मेला में इनोवेटिव अवार्ड जो मिला गया है वो अंतर्वर्ती फसल पे मिला गया है। अंतर्वर्ती फसल मतलब एक खेत में एक साथ एक ही समय चार फसल ली गई थी, उसके कारण हमको यहाँ आमंत्रित किया गया, उसमें अवार्ड मिला गया। तो एक साथ एक खेत में चार फसल ली गई थी, जिसमें हमको 3-4 गुना फायदा हुआ था एक साथ ही, जो उसके लिए हमको यहाँ आमंत्रित किया गया। उसके पहले जिला स्तर का हमको आत्मा योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिया गया, विकासखंड के स्तर का भी पुरस्कार दिया गया।
वो किसान थे जिन्होंने खेती बाड़ी में हाथ आजमाया। लेकिन अब आपको मिलवाते हैं उन किसानों से जो अपने पशुओं को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। ये है कर्मवीर सिंह और ये है उनका युवराज। नाम से ही नहीं, काम और चाल से भी, क्योंकि इनकी कीमत है पूरे 9.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1500 किलो वजन के साथ साथ युवराज 1.5 लाख हेल्दी बच्चों के पिता भी हैं। इस बांके नौजवान को देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये दादा और नाना दोनों बन चुके हैं। साथ ही युवराज जी क्या खाते हैं, आइए जानते हैं कर्मवीर जी से। मेरे को आज कृषि अवंती मेला 15 से 17 मार्च 2017 भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली द्वारा ये सर्वोच्च स्टॉल पुरस्कार दिया गया, जिसके लिए मेरे दोनों युवराज और सम्राट दोनों बुल को सम्मानित किया गया और जिससे मेरे को ये पुरस्कार पा के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है और यहाँ आने से लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा इसको देखने की उत्सुकता है और लोगों के देखने से बहुत जागरूकता पैदा हुई है। इसको अवार्ड सर्वोच्च स्टॉल पुरस्कार मिला है, जो जितने भी यहाँ पे पशु आए हैं सब में पहला पुरस्कार सर्वोत्तम का वो युवराज और सम्राट को मिला है। अब आपको मिलवाते हैं युवराज की बेटी अनमोल से, जो गुण और शक्ल में बिल्कुल अपने पिताजी पर गई हैं, साथ ही दूध की तो नदियां बहा दें। कटिया का नाम है अनमोल, इसकी डाइट चल रही है अब 2 किलो बिनोला, 2 किलो चनाचूरी सरसों और 2 किलो घी देते, दूध देते हैं, 1/2 किलो घी इसको पिलाते हैं पाइया मिला के जी। और इसकी डाइट तो ये है, 3 साल 3 महीने की होगी, ये 4 महीने की आगे की प्रेग्नेंट है, युवराज की बेटी है। शुरू से जी इसकी माँ के नीचे 23 लीटर 600 ग्राम दूध था, हमें शुरू में इसको थोड़ा थोड़ा दूध पिला के इसकी कैपेसिटी बढ़ाई है कि दूध पीने लगे है। बुजुर्गों ने सही कहा है कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं। ऐसा ही कुछ सूरजकुंड में लगी प्रदर्शनी में देखने को मिला, जहां रानी नाम की भैंस सबकी जुबान पर छाई रही, क्योंकि रानी को सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस का खिताब हासिल हुआ है। साथ ही रानी को कई राज्य और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ये कई बार दूध प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी है, इसने इसका रिकॉर्ड 1 वर्ष का दूध लगभग 5880 लीटर है, एक ब्यात का इसका दूध 5880 लीटर है। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी इसको 3-4 बार सम्मानित किया। किसी ने सही कहा है कि व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। यहाँ किसानों की सफलता के पीछे उनके पशुधन ने अहम रोल अदा किया है और एक अलग पहचान दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हर वर्ष कृषि के क्षेत्र में कुछ इनोवेटिव और किफायती किसानों के लिए लेकर आता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उन तकनीकों और आविष्कारों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए कुछ हाथों का साथ होना भी बेहद जरूरी है। ऐसे ही किसानों की लिस्ट में शुमार है नाम सुभाष चंद्र कोठारी का। मुझे किसान सम्मान मिला है, ये कृषि उन्नति के लिए मैंने जो है ये कृषि तकनीकी की जो जानकारी है उनको लेकर के उनको जो है धरातल पे किया और गांव के जो किसानों को उनको भी मैं आगे जोड़ने का काम कर रहा हूं। जो भी जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो नई नई तकनीकी जो हमें बताते हैं तो उनको हम अपनाने की कोशिश करते हैं, उनको धरातल उतारने का काम करते हैं और लोगों को जो है खेती से जोड़ने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है विपिन कुमार का। ये एक ऐसे युवा उद्यमी हैं जिन्होंने
मूल्य संवर्धन में व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने के बाद एक कंपनी खोली। इस कंपनी के जरिए ये आंवला के विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाते हैं, साथ ही इन्होंने पूसा की तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का काम भी बखूबी किया है। मैंने अपना छोटा सा उद्यम लगाया है आंवले का उत्पाद का, और इसका अभी छोटी सी यूनिट होने की वजह से मैंने अपने कई सारे प्रोडक्ट बनाए, जिसमें मेरा आंवला हलवा काफ़ी फेमस हुआ, जिसके लिए मुझे पूसा हॉर्टिकल्चर शो 2016 में फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। और उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं कि मेरे को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो यही कोशिश है मेरी कि जिस तरह से मैं एक जॉब के लिए परेशान रहा, और मैं युवाओं से, ग्रामीण युवाओं से, भारत के देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद में आप अपना खुद का काम करें, ना कि किसी के यहाँ नौकरी। दिनेश कुमार भी इन्हीं किसानों में से एक हैं, जिन्होंने किसानों के बीच पूसा की नई तकनीकों को लेकर जागरूकता पैदा की। अवार्ड मुझे इसलिए दिया गया है कि जो नए विधि को मैंने वैज्ञानिक और किसानों के बीच का जो गैप है उसको दूर करने के लिए मैंने अपना सूझबूझ से मैंने जैविक खेती को अपनाया है। जैविक खेती वैज्ञानिकों को कहना है कि जैविक खेती करना, लेकिन कैसे करना है वो बाज़ार के दवाइयों पर आधारित नहीं रहना है। जो इसमें अभी लगभग 100 गाय से ऊपर मैंने पाल रखा है, और पोल्ट्री फार्म है, मछली पालन है, बर्मी कंपोस्ट है, बकरी है, और सोलर प्लेट से सिंचाई का है, बायोगैस से सिंचाई का है। जो इसमें लगभग 90,000 किसानों के बीच मैं काम कर रहा हूँ। अचार हर खाने के स्वाद को दुगना बना देते हैं, और अगर अचार अपने ही खेत की फसलों से बना हो तो क्या कहना उस लजीज अचार का। जी हाँ, कृष्णा यादव जो अपने खेतों में तैयार सब्जियों और फलों से अचार बनाती हैं, साथ ही कई किसान मिलकर उनके साथ काम भी करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और हमें खाने के लिए स्वादिष्ट अचार भी। मैं यहाँ सन 2000 से आ रही हूँ इस मेले में, और इस मेले में जितनी बार भी हम आए, हमारी स्टॉलों पे इतनी भीड़ रहती है और हमारे अचार लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे हमारे अचारों की क्वालिटी सबसे अलग होती है मार्केट से बिल्कुल। जैसे इसमें हम जो भी मटेरियल डालते हैं, जैसे अपने किसानों की सब्जी, ताज़ा सब्जी बिल्कुल, और जैसे मसाले हमारे सारे घर में पिसे हुए, चक्की से अपने आप दल के हम घर में मसाले तैयार करते हैं। और इसमें मेले में सारे अवार्ड भी मुझे मिले हुए हैं, जितने भी इसमें चैंपियन अवार्ड, जितने भी अवार्ड हैं सारे मतलब मिले हुए हैं यहाँ पे। और मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है, प्रधानमंत्री से भी पुरस्कार मिला हुआ है। राज्य या केंद्र सरकारों से सम्मानित हो चुके ये किसान इस बात के गवाह हैं कि हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो खेती, बागवानी या पशुपालन जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरह से काम किया जाए तो नए नए प्रयोग करके नई बुलंदियों को छुआ जा सकता है। इन किसानों का हौसला धीरे धीरे देश के दूसरे किसानों तक भी पहुंचेगा, और हर दिन उगते सूरज के साथ हर किसान एक दिन सिकंदर जरूर बनेगा।